नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 10 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की होगी नियुक्ति। बिहार राज्य में जल्द ही मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की 464 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसके तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी प्रखंडों में एक एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की बहाली का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे अब पदवर्ग समिति और वित्त विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके पश्चात अब इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट भेजने की तैयारियों पर काम किया जा रहा है। एक बार कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस वित्तीय वर्ष के अंत अंत तक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 289 महिला कर्मियों ने पारण परेड में दिखाया अपना दमखम। सीतामढ़ी सुपौल जिले की 289 महिला पुलिस कर्मियों की समस्तीपुर पुलिस लाइन में लगभग 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद इन सभी महिला पुलिस कर्मियों ने परेड की कमान संभाली। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मी के रूप में पदभार संभालने वाली इन सभी पुलिस कर्मियों के लिए दरभंगा जोन के वर्तमान आईजी पंकज दराद ने महिलाओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि आज विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा हमारा सर्वोपरि धर्म है, जिसका हमें निष्ठापूर्वक पालन करना है। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने जारी किया अपना नया अधिसूचना। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह अधिसूचना सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों के मुनाफे का संदेश दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी प्रधान सचिव, सचिव, कमिश्नर, डीएम समेत सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वह उर्दू के साथ गलत ना करें। सभी अधिकारी यह ध्यान रखें कि अब से सभी सरकारी नियंत्रण पत्रों, सरकारी आयोजन के पोस्टर, अधिकारियों के नेम प्लेट समेत हर जगह हिंदी के साथ साथ उर्दू का प्रयोग किया जाए। सिपाही बहाली में महिलाओं को मिली राहत। सिपाही बहाली को लेकर 12 और 20 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा में केंद्रीय चयन परिषद ने महिला अभ्यर्थियों को बड़ी छूट दी है, जिसके तहत आयोजित होने वाली इस परीक्षा में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र गृह जिले के मुख्यालय में बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार पुलिस सिपाही बहाली की यह परीक्षा 11,880 पदों के लिए ली जा रही है। बिहार की दिवाक्षी ने अमेरिका में रचा अपना नया कीर्तिमान। बिहार की राजधानी पटना की दिवाक्षी तेजस्वी ने अमेरिका में अपने नाम के साथ साथ समूचे बिहार का नाम रोशन किया है। खबरों की माने तो पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्पफुल अप्रोच फॉर लिविंग की वॉलंटियर रह चुकी दिवाक्षी ने अमेरिका के फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में हाईएस्ट डिस्टिंक्शन प्राप्त कर समूचे राज्य को गौरवान्वित किया है। इतना ही नहीं, दिवाक्षी को पहले भी अपनी पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंशियल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल चुका है। डुमराव में जल्द ही बिस्मिल्लाह खान के नाम पर खुलेगा विश्वविद्यालय। बिहार के डुमराव में जल्द ही शहनाई के गुरु माने जाने वाले बिस्मिल्लाह खान के नाम से संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाएगी, जिसकी स्वीकृति बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिस्मिल्लाह खान के नाम पर विश्वविद्यालय पहले भागलपुर और बेतिया में खुलने वाला था, मगर किसी कारणवश वहां काम न होने के कारण अब इस विश्वविद्यालय को डुमराव में खोलने की पहल की गई है। मंत्री श्याम रजक ने खादी पार्क निर्माण की पहल पर दिया जोर। बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्री श्याम रजक ने अपने कार्यालय कक्ष में आईडा की 41 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया था, जिसमें उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बिहार के गया, भागलपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर में खादी पार्क के निर्माण का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि निर्धारित किए गए इन सभी जिलों में खादी पार्क बनवाने के लिए जो मॉडल तैयार किया गया था, उसी के अनुरूप इसका काम शुरू किया जाए। ट्रेनों में मिलने वाले खाने के दाम में हुआ इजाफा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी ट्रेन में खाने के शौकीन हैं तो संभल जाएं, क्योंकि अब ट्रेनों में मिलने वाले खाने के दाम में इजाफा किया गया है। भागलपुर से आने वाली सभी पैंट्री कार की व्यवस्था वाली ट्रेन में मिलने वाली स्नैक्स, नाश्ता, अंडा कढ़ी, पुलाव, वेज बिरयानी अब महंगा हो गया है, जिसके तहत रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नई दरों की सूची जारी कर दी है। यकीनन रेलवे के इस फैसले का असर अब सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। पटना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है बरकरार। बीते बुधवार को रात भर हुई बारिश के बाद अभी भी पटना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि पछुआ हवा नहीं चलने के कारण कनकनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद ठंड से राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी पटना, गया, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर हवा के तेज प्रवाह को भी देखा जा सकता है। बिहार बोर्ड के 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड की तरफ से आज 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जो कि अब सभी छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे, जिसकी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दे दी है।
बिहार में खेला जाएगा महिला T20 चतुर्कोणीय सीरीज। उक्त ऐलान BCCI ने किया है, जिसके तहत BCCI ने यह साफ कहा है कि महिला T20 चतुर्कोणीय सीरीज की मेजबानी इस बार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन करेगा। यहां तक कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए BCCI के इस बयान की पुष्टि भी कर दी है, जिसके तहत अब इस T20 चतुर्कोणीय सम्मेलन में इंडिया ए, इंडिया बी, बांग्लादेश और थाईलैंड की टीम हिस्सा लेगी। ज्ञात हो चतुर्कोणीय यह सीरीज की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, जो कि 22 जनवरी तक चलेगी। निजी स्कूल अब मनमाने ढंग से नहीं कर सकेंगे फीस में बढ़ोतरी। निजी स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने सभी निजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी में बढ़ती जा रही मनमानी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी निजी स्कूल अब 7% से ज्यादा सालाना फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पटना के जिन स्कूलों ने अपने फीस क्राइटेरिया में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भेजा था, पटना कमिश्नर ने उन सभी स्कूलों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षा का जारी किया शेड्यूल। पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। पटना यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों साल के परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत थर्ड ईयर की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हो जाएगी, तो वहीं सेकंड ईयर की परीक्षा 27 मार्च से, तो फर्स्ट ईयर की यह परीक्षा की शुरुआत 28 अप्रैल से हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा लगेगी सिटी पार्क में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। अगर सब कुछ सही से चला तो 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंपनी बाग पहुंचेंगे, जहां वो जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए 2 JCB और काफी संख्या में सफाई कर्मियों को लगा दिया गया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। चक दे इंडिया से फेम में आई शिल्पा शुक्ला का जन्म बिहार के वैशाली जिले में 22 फरवरी 1982 में हुआ था, जहां पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की थी। शिल्पा शुक्ला ने बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो शिल्पा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत चक दे इंडिया से की थी। उसके बाद उन्होंने BA पास में भी काम किया था, जिसके लिए शिल्पा को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इन फिल्मों के अलावा शिल्पा कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। बिहारवासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया संदेश। जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब उन्होंने बिहारवासियों के नाम पर एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी बिहारवासियों से 19 तारीख को जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत बनने वाले श्रृंखला में लोगों को सम्मिलित होने का न्योता भेजा है और साथ ही इसे सफल बनाने की अपील भी की है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि बिहार की जनता ने हमेशा से ही इतिहास रचने का काम किया है, एक बार फिर उन्हें इसी का प्रमाण देना है। बांका के भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है और इसमें 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदार क्षेत्र में 500 साल से रथ यात्रा का इतिहास रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस रथ यात्रा को यहाँ पर आरम्भ कराया था, जो आज भी अनवरत जारी है। अपने 7वें चरण के तहत बांका पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के अपने 7वें चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका जिले पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही लक्ष्मीपुर डैम के जीर्णोद्धार का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा योजना के तहत लगाए जाने वाले विभिन्न विभाग के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। महागठबंधन में एक बार फिर बिफरे दलों के सुर। अभी चुनाव आने में भले ही कुछ समय शेष हो, मगर राजनीतिक गलियारे में हलचल का सिलसिला शुरू हो चुका है। महागठबंधन दल के नेताओं के बीच विचारों का तालमेल नहीं बनने के कारण बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता नहीं मानती है। महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस बात पर तो चर्चा नहीं हुई है, मगर तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं है, ये तय है। संजय पासवान के बयान से NDA में बढ़ी हलचल। भाजपा के विधान पार्षद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे की दावेदारी पर दिए गए बयान पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में संजय पासवान ने यह कहा था कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भाजपाई को देखना चाहती है, जिस पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता KC त्यागी ने संजय पासवान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि पासवान के इस गैर अनुशासित बयान पर भाजपा जल्द ही संज्ञान लेगी और आगे से ऐसे बयान पर रोक लगाएगी। बिहार में दिखने लगा है जल जीवन हरियाली यात्रा का असर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में कई जिलों में जल जीवन हरियाली योजना से लोगों को जागरूक करवाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने भी लगा है, जिसके तहत पटना समेत कई जिलों में ऊर्जा संरक्षण में बेहतरीन इजाफा हुआ है। खबरों की माने तो इस यात्रा की शुरुआत होने के बाद से साल 2019 में 25 से 30% बिजली की खपत में सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, पटना समेत कई जिले के लोग ने अपने अनुसार बिजली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और दूसरा अपनी छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है या नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,821 रुपए था, नहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,801 रुपए था। यानी कि सोना पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,500 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में गिरावट हुई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.49 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 73.7 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। पटना समेत विभिन्न जिलों में हुई बारिश से अभी ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का विभिन्न जिलों के लिए पूर्वानुमान क्या है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही मौसम में ठंड का असर बरकरार रहेगा, तो कहीं कहीं बादलों के कारण बारिश होने की संभावना है। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। पंकज त्रिपाठी ने अपने बिजी शेड्यूल को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार से निकले पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड की दुनिया में शोहरत और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सफलताएं उन्हें यूं ही नहीं मिली हैं, बल्कि ये हर दिन की मेहनत का फल है। अपने इसी बिजी स्केड्यूल की कहानी को बताते हुए पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए अपने साक्षात्कार में कहा है कि हालत ऐसी है कि हर दिन मुझे कम से कम 2 फिल्मों के ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैं पहले ही कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। अपने काम में मैं इतना ज्यादा उलझा हूं कि अपनी बेटी तक को समय नहीं दे पाता हूं। आज होगा भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी और निर्णायक T20 मैच। 3 मैचों के T20 सीरीज का आखिरी मैच आज पुणे में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में जहां भारत मैच जीत सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी, वहीं श्रीलंका इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। दूसरे मैच में आसानी से जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम का पलड़ा इस मैच में भी भारी दिख रहा है। जहां तक भारत की प्लेइंग 11 की बात है, उम्मीद है वही टीम इस मैच में खेलेगी जो पिछले मैच में खेली थी। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत बनाम श्रीलंका के बीच होने वाले आज निर्णायक एक मैच में किसकी जीत होगी। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।